सनराइज। तो यहाँ पे आप लोग पहली बार आया? हाँ पहली बार आए हम लोग। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस तो नेचर ब्रिज वॉक का टिकट ले लिया मैंने, ग्लास ब्रिज का 150। अभी बज गए हैं सुबह का 4:47। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम राजगीर। ये चेक मार गाइस, अभी 5 भी नहीं बज गए लेकिन यहाँ का लोग सारा का सारा जग गया है। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं खुद काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ राजगीर का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट ग्लास ब्रिज यानी कि स्काई वॉक की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोग यही सोच रहे हो कि सुबह सुबह ये बंदा क्यों उठ के चल दिया, लेकिन मजबूरी है दोस्तों क्योंकि सुबह ही जाने पड़ेगा, क्योंकि सुबह न जाने से टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं 3:30 में उठा था और 3:30 में उठ के थोड़ा फ्रेश हुआ और सामान पैक किया और मैंने जो मेरा सैडलिस्ट है और एड्रेस बैग मैंने होटल पे छोड़ दिया। तो सुबह सुबह जा रहा हूँ तो इतना जल्दी यहाँ का लोग इतना जल्दी जगता है। एक्चुअली ये जो राजगीर है ना, राजगीर एक होली प्लेस है, ठीक है, एक धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, मोनास्ट्री है। यहाँ पे आके ना एक अलग सा एक स्पिरिचुअल वाइब्स क्रिएट होता है यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आए। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5 बजने वाला है। तो एक्चुअली गाइस सैटरडे संडे को ना बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है, तो आप लोग जब भी आना तो सैटरडे संडे मत आना क्योंकि मेरा तो मजबूरी है ना, सैटरडे संडे वीकेंड पे ही मैं तो ब्लॉग बनाता हूँ। तो दशहरा के वीकेंड में निकला था तो आज फिर मेरे को मैं आप लोग को ग्लास ब्रिज दिखा के एक्सप्लोर करा के और जू सफारी और क्या क्या सफारी सब कुछ आप लोग को शेयर करेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बनी रहे। यहाँ पे आके ना मेरे को जो आंध्र प्रदेश का प्रशांति निलयम का याद आया भाई, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ब्लेस प्लेस है, होली प्लेस है। तो ये भी एक होली प्लेस है, यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो भाई सुबह तो बहुत ही ठंड होता है यहाँ पे, मैंने राइडिंग ग्लोव्स भी नहीं पहना और मेरे को यहाँ से 7 किलोमीटर राइड करके जाना होगा। यस गाइस तो मैं पहुँच गए। ये चेक मारो गाइस लाइन सुबह सुबह, बाप रे इतना भीड़ भाड़। और मेरे को पीछे की ओर जाना भाई, ये सारा सारा लाइन है ना। ओ भाई इतना लंबा लाइन। आप हो लास्ट, आप भी लाइन में हो, आप हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कब से खड़ा हो? तो अभी 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 आया है। लोग यहाँ से 4 बजे आ जाता है क्या टिकट लेने के लिए? 2-3 बजे से आ गया। सुबह सुबह इतना ज़्यादा भीड़। तो अभी समय हुआ सुबह का 5:40 गया, तो लाइन इतना बढ़ चुका था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि टिकट मिलेगा क्या स्काई ब्रिज का, तो वो बोला कि टिकट मिल भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ पे दो भाई मिला जो कि 2 बजे से लाइन में खड़ा था।
तो उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई मेरा भी टिकट काट दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो भाई लोग ने मेरा बात मान ली, तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही हेल्पफुल थी। यदि आज आप लोग ना होते तो आज मेरा स्काई ब्रिज जाने का सपना अधूरा रह जाता। थैंक यू सो मच भाई आप लोग को। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइन पे खड़ा था जो ये नेचर सफारी और स्काई वॉक की तरफ सवारी करने के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे भाई मिला, भाई लोग कहाँ से? हम बिहार से। तो भाई लोग न्यू सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो वेलकम टू माई चैनल। तो आप लोग पढ़ते हो? अच्छी से, अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। वन विभाग राजगीर वन्य प्राणी सफारी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये चेक मारो गाइस, सनराइज, इट्स रियली ब्यूटीफुल। हेलो, आप लोग कहाँ से आया? बक्सर। बक्सर से? बक्सर से हम लोग आए। बक्सर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 250 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोग पहली बार आया? हाँ पहली बार आए हम लोग। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाथ हिला दीजिए सभी। ये चेक मारो गाइस, तो अभी भी लाइन छूट गया। तो फाइनली दो घंटे वेटिंग करने के बाद फाइनली अभी लाइन हमारा छूट रहा है, हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। लेकिन इतना लंबा लाइन है, आप लोग देख सकते हो। तो एंट्री गेट सुबह 6 बजे खुलेगा और यहाँ पे लाइनअप देखिए, और वहाँ पे जो काउंटर है, काउंटर 7 बजे खुलेगा। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वीकेंड पे मत आए, सैटरडे संडे मत आए, बहुत ही भीड़ रहता है। ये फिर आ भी लिया तो आप लोग को यहाँ पे सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के भीतर में लाइन के लिए आना होगा। तो सुबह जल्दी जाके यहाँ पे लाइन में खड़ा होना होगा। तो बहुत ही भीड़ रहता है, बहुत ही रश रहता है। तो आप लोग जब भी आना तो ट्यूसडे टू फ्राइडे के बीच में आना, और मंडे क्लोज रहता है। तो जो ये टिकट का प्राइस क्या है, कितने है, और हम लोग भीतर में जा रहे हैं, अब जैसे कि नेचर सफारी, जू सफारी, और भी बहुत सारे जगह है एक्सप्लोर करने, जैसे कि राजबीर का वन ऑफ द फेमस स्काई वॉक ग्लास ब्रिज और सत्संग ब्रिज, देखेंगे कि क्या कुछ कवर कर पाएंगे आज के इस ब्लॉक में। तो ब्लॉक में बने रहे। यस गाइस, तो मैंने ले लिया टिकट नेचर सफारी का, ठीक है। तो 150 रुपीज़ में तो मैं भीतर की ओर जा रहा हूँ। तो फाइनली एक्चुअली यहाँ पे कुछ भाई लोग मिला, तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं भीतर नेचर सफारी करने। तो एक्चुअली ग्लास हाउस के लिए अलग सा टिकट लेना पड़ेगा भीतर में जाके। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार आ रहा। ये सारा स्टूडेंट्स है ना? आप लोग टीचर्स हो? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक, मिल गया, अच्छा लगा। थैंक यू। ना खूबसूरत स्पॉट है, आप लोग देख सकते हो ना, हाइजीनिक, काफ़ी हाइजीनिक रखा हुआ है। हेलो 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 हेलो, घूमने के लिए आए स्कूल से सीधा? गाइस देख मेरे गाइस, अपना लॉर्ड बुद्ध का स्टैचू। तो ये जो नेचर सफारी में, इसमें ग्लास ब्रिज भी आएगा ना? ग्लास ब्रिज जो अलग से लेना पड़ेगा, वो कहाँ से लेना पड़ेगा? उसका कहने 150। तो ये टिकट से हमको बस लेके जाएगा ना वहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक है, दे देते हैं। थैंक यू सर, आगे बढ़ जाइए। तो फाइनली अपना बस लग चुका है। तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से वहाँ से जू सफारी और नेचर सफारी का टिकट मिलेगा, और आगे से मेरे को वो जो ग्लास ब्रिज और सत्संग ब्रिज का टिकट लेना है। टाइम चेक 7:49 इन द मॉर्निंग। तो बस मैं पहुंचने वाला हूँ। तो गाइस मंडे को क्लोज रहता है, सैटरडे संडे बहुत ही रश होता है, बहुत ही भीड़ होता है। तो गाइस आप लोग संडे आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन मेरी तरह सुबह 3 बजे उठ के यहाँ पे 3:30 से 4 बजे के भीतर में लाइन
लाइन में खड़े होना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग ट्यूजडे से लेके सैटरडे के भीतर में आ जाए यहाँ पे, तो मंडे क्लोज रहता है। तो ये चेक पर गाइस, तो गाइस बस पहुंच गई टिकट काउंटर, लास्ट प्लेस के लिए वहाँ पे ना, आप लोग वहाँ से ग्लास ब्रिज के लिए, ग्लास ब्रिज के लिए टिकट वहाँ से लेना पड़ेगा। ग्लास ब्रिज पर 6 वर्ष से कम और 4 फीट से नीचे गोद में बच्चे लेकर जाना सख्त मनाए। आपके चैनल का नाम क्या है भैया? दीप किरण सेवन। आपको कितना चाहिए? किरण सेवन, सेवन 1050 दीजिए। तो हाँ लीजिए, दीप किरण सेवन, दीप किरण सेवन। जी जी, आप दार्जिलिंग से? जी दार्जिलिंग से। अरे वाह, दार्जिलिंग में बनाया है वीडियो गैंगटॉक कैलिंगुंग। यस गाइस, तो नेचर ब्रिज वॉक का टिकट ले लिया मैंने ग्लास ब्रिज का 150 रुपीज़ में। टोकन लेना पड़ेगा ना? यस गाइस, यहाँ पे जो लॉकर रूम में मैंने हेलमेट और राइडिंग जैकेट रख दिया है, और मेरा टोकन नंबर है 14। ये भीतर में सर, यहाँ पैदल या पैदल चल के कितना टाइम लगेगा? पैदल चल के 100 मीटर। 100 मीटर, अच्छा। इंट्री टिकट यहाँ पे मैंने दे दिया। यस गाइस, तो मैंने जो एंट्री टिकट था वहाँ पे गेट पे दे दिया, और जो टिकट है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और राइडिंग जैकेट और हेलमेट मैंने वहाँ पे लॉकर रूम में रख दिया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, तो लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं घर में जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था तो आने का बहुत ही मन कर रहा था। तो फाइनली गाइस, मैं जा रहा हूँ बिहार का राजगीर का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट स्काई ग्लास ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। जाते वक्त को यहीं पे दिखाना पड़ेगा ना? ना वहाँ से निकल जाइएगा, ये टिकट का जरूरत है आपका, सस्पेंशन ब्रिज पे खोजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। ये जो नीचे दिख रहा है आप, ताकि गंदगी ना हो इसकी वजह से, ये गाइस इट्स अमेजिंग, मेस्मराइजिंग। तो यस गाइस, मैं फाइनली पहुंच गए बिहार का राजगीर का जो ये स्काई ग्लास ब्रिज पे। तो यहाँ पे काफी सही हो भैया मिला, तो मिल के अच्छा लगा, एक बार हाथ हाई कर दीजिए। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा, अमेजिंग ना? एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड सर। ये जो ब्रिज स्काई ब्रिज है, स्काई वॉक यानी स्काई ब्रिज, जो कि चाइना का हांगुंग स्काई ब्रिज का मॉडल देख के इस ब्रिज बनवाया है, जो कि 2021 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस ब्रिज का इनॉग्रेट किया है। तो इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका हाइट है 200 फीट का हाइट है, तो काफी ऊंचा पॉइंट पे ये ब्रिज बनवाया है, आप लोग देख सकते हो। तो इस स्काई ब्रिज पे सिर्फ 40% को अलाउ है, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 40 लोग यहाँ पे आ सकते हो। मोबाइल कहाँ छोटे लामो है, खड़ा हो, डर लग रहा है? नहीं, मत डरो, नीचे मत देखो, चलो कोई बाबू है, जल्दी
बढ़ जाओ। तो यहाँ पे सर जी मिला, सर का नाम सत्येंद्र यादव, मिल गया, अच्छा लगा। सर का नाम देवेंद्र। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ उस पार जो कि सस्पेंशन ब्रिज, जो कि हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो निकलते फिर यहाँ से। सर बढ़वाइएगा बच्चे लोग को, लास्ट में आपका फोटो। जो यहाँ सस्पेंशन ब्रिज जो कि अभी बंद है, ये नया बन रहा है। और दूसरा जो सस्पेंशन ब्रिज है वो 100 मीटर की दूरी में है। दार्जिलिंग से। तो यहाँ पे बहुत सारे भाइयों मिला, आप लोग कहाँ से? मैं झारखंड। तो फोटोग्राफी और वीडियो का खिंचवाने में बहुत ही हेल्प किया भाई ने। मिल के अच्छा लगा? यस अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक बार जोर से बोले ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भाई चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा सा प्यार बनाए रखना, सपोर्ट कीजिए। बहुत सारा ना, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ से आगे क्या है? जिप लाइन, रैपर सीढ़ी, तीरंदाजी, साइकिलिंग, कैफेटेरिया भी है, पार्क भी है। उसका टिकट अलग अलग है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत सारे भाइयों मिला, तो भाइयों ने बहुत ही हेल्प किया और मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे आप लोग का प्यार सपोर्ट साथ बनाए रखना। तो यहाँ से जिप लाइन और बहुत कुछ है आगे। तो यहाँ पे एक स्टैचू मिला मेरे को, जो कि लॉर्ड बुद्ध, जो कि अपने शिष्य को शिक्षा और ज्ञान देता हुआ। भैया का भी निकालेंगे एक मस्त वाला पिक्चर, मस्त वाला वीडियो। आपका नाम? सतीश कुमार। तो यहाँ से वो जिप लाइन का रास्ता जाने में कितना टाइम लगेगा? 7 से 8 मिनट। अच्छा, तो रिक्शा ऑटो आपका टोटल टोटो को 12-20 रुपए है ना पर पर्सन? यस गाइस, तो फाइनल पहुंच गए राजगीर का जिप लाइन पे। जो तो यहाँ पे हेलमेट पहनना पड़ेगा, फिर से एक बार एडवेंचर जी है ना। ठीक है सर जी, चार्ज कितना है इसका पर पर्सन का? पर पर्सन 100 रुपीज। थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए ना, हम तो यहाँ पे चाह रहा है। ये डिस्काउंट पे ही आपको मिल रहा 100। आपको टिकट और इक्विपमेंट इधर मिलेगा, आपको हाइकिंग करके उस टावर पे जाना है, ए पॉइंट, जिसको हम लोग ए पॉइंट बोलते हैं, ऊपर में जाना है। हाँ, वहाँ से आपका जिप लाइन स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा। वहाँ से आप जिप लाइन करते हुए उस पहाड़ी पे जाओगे जिसको बोलते हैं बी पॉइंट। अच्छा अच्छा। बी पॉइंट से फिर आपको रिलीज किया जाएगा वायर चेंज करके सी पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट है। अच्छा। यस गाइस, तो मैं वहाँ से आया और मेरे को उस चोटी पे जाना है जहाँ पे वॉस्टर बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके वहाँ से पूरा जिप लाइन राइड करके उस तरफ जाना होगा, जाना होगा। फिर उस तरफ जो आप लोग को तो वाइट कलर का जो रूफ दिख रहा है, फिर वहाँ से नीचे से नीचे और वहाँ एंडिंग पॉइंट वहाँ पे। पैसा वसूल बहुत ही अमेजिंग राइट, लेकिन डर तो लग रहा है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग पैसा वसूल है। तो आप लोग यहाँ पे आके जरूर एक बार जिप लाइन राइड कीजिएगा। ओके गाइस, तो जिस बस से मैं सुबह आया था उसी बस से मैं जा रहा हूँ। तो
सारा कुछ कवर करने का कोशिश किया, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो आज ही मैं वापस अपने घर की तरफ दार्जिलिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो मिलते थोड़ी देर बाद में। शुगर कैन जूस ले लिया एकदम मस्त वाला। तो यहाँ पे आगे में है एक मुख्य द्वार ब्रह्मकुंड राजगीर नालंदा। यहाँ पे भी तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना। अब निकलते फिर, पहले मेरे को यहाँ से होटल की तरफ जाना होगा। राजगीर टू दार्जिलिंग की तरफ जाना है मेरे को। ऑलरेडी 11 बजने वाला है, तो काफ़ी लंबा ट्रिप है। ओके गाइस, तो सैडल बैग मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो चेन लूप करना है और हाइड्रेशन बैग और राइडिंग जैकेट पहनना है। और मैंने टाइम बैग यहाँ पे रख दिया है और मोटर ब्लॉक सेटअप हो चुका है। और मेरे को यहाँ से सिलगुड़ी 449 किलोमीटर बाइक राइड करके जाना हो, तो गूगल बाबा दिखा रहे हैं 9 hours 47 minutes लग जाएगा बोल रहा है गूगल बाबा। तो मैं लगभग घर से ऐसे 656 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, तो अभी टाइम 11:24। तो गाइस आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। होटल विजय तो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन होटल है। तो इसका रूम में इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस आज मैं राजगीर से सिलगुड़ी यानी कि दार्जिलिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा छलांग मारना है अपन को। और इसके लिए आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो जितना हो सके मैंने आप लोग को जो राजगीर का टूरिस्ट स्पॉट कवर करके दिखाने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो राजगीर से दार्जिलिंग का जो राइड का ट्रिप देखना हो, तो आप लोग को लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो आज का वीडियो करते एंड, तो मिलते हैं आप लोग साथ सीधा फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड लव यू ऑल।